हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। दोस्तों, जब भी वेल्डिंग होती है तो कई प्रकार के एंगल में, कई प्रकार के ज्वाइंट में वेल्डिंग की जाती है, लेकिन उन ज्वाइंटों को आप देखकर कैसे बता सकते हैं कि कौन सा ज्वाइंट है? तो आज हम आपको फाइव टाइप्स के ज्वाइंट बताएंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, यानी वेल्डिंग में टाइप्स ऑफ ज्वाइंट क्या होते हैं और उनको किस प्रकार के ज्वाइंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके बारे में हम आज आपके साथ बात करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग और वेल्डिंग की डिफिनेशन के बारे में बात किया था, एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग के बारे में बात किया था, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बट ज्वाइंट, जो बट ज्वाइंट होता है वो आपने, अगर मैं व्यू में जाऊँगा, ठीक है, तो जो बट ज्वाइंट होता है वो ये बट ज्वाइंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बट ज्वाइंट में क्या होता है कि दो जो मेटल होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है और बीच में वेल्डिंग की जाती है, उसको बट ज्वाइंट कहा जाता है। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन होती है इसकी कि बट ज्वाइंट इज फॉर्म्ड व्हेन द इज और एंड्स ऑफ मेटल पीसेस आर ज्वाइंड इफ थिकनेस ऑफ प्लेट इज ग्रेटर देन 5 mm, देन वेवलिंग ऑफ इज इज रिक्वायर्ड। जो वेवलिंग का मतलब होता है, अगर हम कट करके आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, उसके बाद उसकी वेल्डिंग भर देते हैं, तो वेवलिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट क्या होता है कि व्हेन बोथ मेटल पीसेस ओवरलैप ईच अदर, लैप ज्वाइंट इज फॉर्म्ड। यानी कि जब दो मटेरियल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो वहाँ पे लैप ज्वाइंट बनता है। दिस ज्वाइंट इज यूज्ड फॉर प्लेट हैविंग थिकनेस लेस देन 3 mm, यानी कि 3 mm से जो थिकनेस कम होती है वहाँ पे लैप ज्वाइंट बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लैप ज्वाइंट है, स्पेसमैन 1 है, स्पेसमैन 2 है, ये आपस में एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पर फिलर मेटल का ऐड करके यहाँ पे वेल्डिंग की गई है और यहाँ पे वेल्डिंग की गई है, ठीक है। जो ब्लैक एरिया देख रहे हैं ये वेल्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो है टी ज्वाइंट, ठीक है। टी ज्वाइंट क्या कहता है? टी ज्वाइंट इज फॉर्म्ड व्हेन वन मेटल पीस इज एट राइट एंगल टू अदर एट मिड सेक्शन। यानी कि अगर हम बात करेंगे सेम इस प्रकार से, ये टी ज्वाइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वन इज राइट एंगल और सेकंड इज मिड में है, यानी कि बीचों बीच उसको लगाया जाता है, दोनों तरफ से फिलर मटेरियल करके वेल्डिंग की जाती है, तो उसको टी ज्वाइंट किया जाता है। टी ज्वाइंट करने के लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी एक जो है वो इसमें डिफाइन किया जाता है कि जो स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर टी ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट क्या होता है? कॉर्नर ज्वाइंट इज फॉर्म्ड व्हेन वन मेटल पीस इज एट राइट एंगल टू अदर एट कॉर्नर। यानी कि कॉर्नर ज्वाइंट क्या होता है कि एक राइट एंगल में है और एक कॉर्नर में है, तो उसको कॉर्नर ज्वाइंट बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ज्वाइंट है, दिस इज कॉल्ड इज कॉर्नर ज्वाइंट, ओके। यानी कि इस प्रकार का ये एक स्पेसिमेन रखा हुआ है और उसके कॉर्नर पे एक स्पेसिमेन रख के उसको वेल्डिंग की जाती है, तो उसको कॉर्नर ज्वाइंट बोला जाता है। इसमें कम फिलर मीटर की रिक्वायरमेंट होती है वेल्डिंग करते समय, क्योंकि इसको एक साइड ही वेल्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो कॉर्नर ज्वाइंट ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इज ज्वाइंट। इज ज्वाइंट, दिस ज्वाइंट इज यूज टू ज्वाइन द इज ऑफ टू पीसेस इन विच ए पुट ऑफ द सरफेस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि दो जो स्पेसिमेन होते हैं उन दोनों को पैरेलल रख के उनके इजों को ज्वाइंट किया जाता है, तो उसको इज ज्वाइंट बोला जाता है। दी ज्वाइंट्स आर इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस रिक्वायरमेंट ऑफ इज प्रिपरेशन एंड लेस यूज ऑफ फिलर मेटल। यानी कि कम फिलर मेटल की रिक्वायरमेंट होती है इस ज्वाइंट को करने के लिए। यानी कि आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ज्वाइंट है, दिस इज कॉल्ड अ इज ज्वाइंट। यहाँ पर एक जो स्पेसिमेन है उसको सीधा रखा गया और उसके ऊपर दूसरे स्पेसिमेन रख के इसके इज में जो है, जो आप ब्लैक है ये देख रहे हैं, इसके इज में वेल्डिंग की गई है। यानी कि इसमें कम फिलर मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको इज ज्वाइंट बोला जाता है। तो ये पांच प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट ज्वाइंट, ठीक है, लैप ज्वाइंट ओवरलैप करता है बट ज्वाइंट में, आपस में सामने सामने सटा के उसमें फिर वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद टी ज्वाइंट, फिर टी ज्वाइंट के बाद आप कॉर्नर ज्वाइंट और इज ज्वाइंट। तो ये पांच प्रकार के ज्वाइंट होते हैं जो वेल्डिंग में आप ज़्यादातर देखेंगे, जहाँ पे भी वेल्डिंग हो रही होंगी यही पांच ज्वाइंट आप ज़्यादातर देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।